ग्राउंड कौन सा वाला है, किसका? गाने का जो हमारा अपॉर्चुनिटी मिली वो आज ही मिली। इससे पहले भी हमने एक दो बारी कोशिश की आने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आप सबसे मिलने की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रहती है कि हम हर वेडनेसडे को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, सब डिवीज़न लेवल पे भी हम ब्लॉक दिवस मना रहे हैं। ये वाहिद ऐसा ज़िला है जहाँ पर पाँचों सब डिवीज़न्स में हम ब्लॉक दिवस मनाते हैं। हमारे रूरल डेवलपमेंट के जितने भी लोग हैं, चाहे वो ACD हो, BDOs हो या ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज हों, PRIs हों, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं एक तरीके से कि हम लोगों के पास जाएं और ये देखें कि जो हम स्कीमें, प्लान्स, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनते हैं या स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे बनते हैं, तो उनको अमली जामा पहनाने वक्त क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां लोगों को आ रही हैं वो भी समझें। हम ज़रूर इसको आगे गवर्नमेंट के साथ ज़रूर टेकअप करेंगे। आपने PDD का जो और इरीगेशन का मसला, क्योंकि वो सिर्फ नारवा में नहीं, पूरे बारामूला में, मैं समझती हूँ पूरे कश्मीर में अभी ये मसला चल रहा है, इस पर बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सप्लाई हमें आ रही थी उसमें कमी हुई है, उसकी स्टेबलाइजेशन चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट, UT गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है कि इसको स्टेबलाइज किया जाए। तब तक हमने इरीगेशन डिपार्टमेंट को ये बताया हुआ है कि किस तरीके से एक प्लान बनाएं ताकि रात को जब कट्स कम होते हैं, लोगों में एक, जिसको ये बता रहे हैं कि एक फेस्ड मैनर में कुछ लोगों को पहले और कुछ लोगों को बाद में पानी जो है इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि आप लोगों का कोई इरीगेशन सीजन में नुकसान ना हो। यहाँ पे बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, हर एक डिपार्टमेंट ने अपने तरीके से काम किया। चलता है कि मैडम वहाँ पे ऐसे काम था, वैसे काम था, डीसी साहब आ रहे हैं कि मैडम आप लोगों की वसादत से कुछ दिन पहले हमें यहाँ से बाहर पंजाब भेजा गया था एक नेशनल टूर के लिए, जिसमें हम PRI हजरत ने शिरकत की थी। मैम जब मैंने वहाँ की पंचायतें देखी तो मैंने ऐसा सोचा कि हम उन लोगों से 100 साल आगे हैं। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है जितनी पंजाब में नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ पंचायतों में गया। जैसे आपने देखा होगा हमने स्नो फेस्टिवल भी किया, राजपुरा रामपुरा में भी हमने कुछ एरियाज जो है सिलेक्ट किए हैं, यहाँ के भी हमने नोट डाउन कर लिए, मैंने ACR साहब को भी बोला है। इसमें से कुछ एरियाज जो है, देखिए टूरिज्म, हमने वो वाला टूरिज्म नहीं करना है कि हमने कंक्रीट वहाँ पर बिल्डिंग्स बना देनी है और फिर लोगों को बोलना है आओ होटलों में रहो। टूरिज्म जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम जो होम स्टेज है उसको प्रमोट करें। मतलब अगर आपके ही कुछ हम 8-10 घर ऐसे सेलेक्ट करें जिनमें आप एक कमरा अच्छे से मेंटेन करें और वॉशरूम, तो लोग आके वहाँ पर रह भी सकते हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट, और जिसको कहते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट, वो आप दे सकते हैं, उससे आमदनी भी बढ़ेगी। और इसमें नेचर के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, अच्छी अच्छी एरियाज हैं हमारे, बहुत खुश जगहें हैं और ऐसे सेहत अफजा मकाम हैं जहाँ लोग उधर की खूबसूरती के लिए ही आना चाहते हैं। एक तो हम होम स्टेज, दूसरा जो ट्रैकिंग आपने कहा उसको हम प्रमोट करेंगे कि ट्रैकिंग रूट्स, होम स्टेज और जो छोटा सा कैफ्टेरिया, अगर कोई वहाँ पार्क है जैसे इको पार्क है, वो तो हमने उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कोई एक नेचुरली कोई पार्क है वो वाला आप ACR साहब, लेकिन आप बहुत सारी जगहों को नहीं सिलेक्ट कीजिए, आप पहले एक दो को पायलट जो हमने प्लान बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर एक छोटा सा कैफ्टेरिया, एक टॉयलेट जो फैसिलिटी हो, टॉयलेट फैसिलिटी हम इनसे भी करवा सकते हैं, BDO से भी, ठीक है, कम्युनिटी टॉयलेट में डाल सकते हैं। डाल सकते हैं आप ACD साहब अभी।